और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना महामारी फैलाने का आरोपी मौलाना साद 19 दिन से उसका कोई सुराग नहीं है। आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस ये अंदेशा जता रही है, उसे शक है कि दिल्ली के जाकिर नगर में ही मौलाना साद छिपा हो सकता है। यहां पर आपको याद दिला देती हूं कि मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज कर चुकी है। उन्नीस दिनों से कहां छिपा है मौलाना साद? महामारी के मौलाना की गिरफ्तारी कब? संक्रमण फैलाने वाले मौलाना से सावधान। जमातियों के जरिए देश में कोरोना फैलाने के बाद मौलाना साद फरार, लेकिन पुलिस के शिकंजे से दूर रहना उसके लिए ज्यादा दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने मौलाना साद के जुर्मों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। एक तरफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई तो मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर FIR कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91वीं CRPC के तहत मांगी गई जानकारी दे दी है और वो जांच में सहयोग कर रहा है। इससे इतर मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के खाते में बड़ी रकम आई। 2005 के बाद हवाला के जरिए मरकज के खाते में इतनी बड़ी रकम आई थी। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए ही हो रही थी। ये खुलासे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आए हैं। मार्च के महीने में इनके सालाना जलसे से ठीक पहले मोहम्मद साद के अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा आया था, जो कि थोड़े ही दिन बाद अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था छोटी छोटी रकम के तौर पर। इस बात का आभास होते ही जो बैंक के अधिकारी थे उन्होंने मौलाना साद के CA को संपर्क किया और उससे इसकी पैसे के सोर्स के बारे में पूछा। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज कर लिया है। साद के खिलाफ ये केस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया गया है। बुधवार को ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले मौलाना साद पर महामारी कानून के तहत केस दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर मौलाना साद की मुश्किलें हर ओर से अब बढ़ती ही नजर आ रही है। उसने पुलिस का सहयोग करने की तो बात की है, लेकिन अब तक वो पुलिस से क्यों छिपा था, इसका जवाब अभी भी उसे देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप सही हैं और आप इस तरह की दलीलें दे रहे हैं तो आप छिपके क्यों बैठे हुए हैं? आप कानून का सामना कीजिए। साथ ही आपसे भी अपील करते हैं कि अगर आपके पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो पुलिस की मदद में, वो काफी काम की हो सकती है, वैल्यूएबल इनपुट्स हो सकते हैं आपके, तो आप पुलिस को उस बारे में जरूर सूचित करें।